करनाल बार एसोसिएशन की ओर से कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने की खुशी में बार एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 35 एवं धारा 370 हटाए जाने पर खुशी जाहिर की गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह को यह ऐतिहासिक कार्य करने पर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बार एसोसिएशन की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी वकीलों द्वारा हस्ताक्षर कर पीएम नरेंद्र मोदी के पास भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि करनाल की बार एसोसिएशन सरकार के इस फैसले के साथ है और जहां भी जरूरत पड़ेगी एसोसिएशन अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान कमलजीत सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जो धारा 370 हटाने का साहसिक प्रयास किया गया है, उसी की खुशी में आज बार एसोसिएशन करनाल में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया, जिसमें सभी वकीलों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और लोगों से सरकार के इस साहसिक कार्य में सहयोग देने का आह्वान भी किया। वहीं हम आपको बता दें कि पिछले काफी अरसे से राजनीतिक कारणों के चलते कश्मीर में धारा 370 नहीं हटाई जा रही थी, परंतु मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा यह साहसिक फैसला कर एक नए प्रारूप को देश के सामने प्रस्तुत किया है। अब कश्मीर में देश के लोग अपनी संपत्ति खरीद बेच सकेंगे। कश्मीर की लड़कियां अगर दूसरे राज्यों में जाती हैं तो उनकी नागरिकता अब समाप्त नहीं होगी, वह कश्मीर में आ सकेंगी। इस मौके पर बार एसोसिएशन करनाल के सभी वरिष्ठ वकील मौजूद रहे। व्यक्त करी है बहुत और अपने प्रधानमंत्री का सबने आभार जताया और लड्डू बांटे हैं और जो छोटा मोटा हम कर सकते थे सबने भारत माता के लिए प्रण भी लिया है कि सारे भारत माता के लिए इकट्ठे रहेंगे और कभी भी भारत माता के ऊपर कोई भी हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी तो हम लोग उसका और हम भारत एसोसिएशन के प्रधान के मैं अपने माध्यम से ये एश्योरेंस भी देता हूँ अपने वकील भाइयों के प्रति जो करनाल में है कि हम ऐसे डिसीजन जो लिए गए हैं सरकार द्वारा बहुत ही हम हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आज सारे भारतवर्ष में बहुत खुशी का माहौल है, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कल से टीवी में चल रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।